नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अष्टमी है, यानी कि नवरात्रि का आठवां दिन। तो आज के दिन माता के किस स्वरूप की पूजा होती है, आइए जानते हैं रवि मिश्रा जी से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, आज माता के किन स्वरूप की पूजा होती है? आज माँ भगवती के अष्टम स्वरूप का पूजन होता है। सर्वप्रथम आइए माँ भगवती के चरणों में ध्यान एवं प्रार्थना करते हुए आज के अपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हरि ओम विद्यो दाम सम प्रभा मृगपते कंध स्थितां भीषणां कन्या भी करवाल खेट विलसत धस्ता विरा सेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विखिसां चापं गुडं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आप सभी प्रिय दर्शकों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी के जीवन में जो माँ भगवती का अष्टम स्वरूप है, या स्वरूप माँ भगवती का महागौरी के रूप में विद्यमान है। महागौरी शब्द का जो अर्थ है, महा मतलब महान, गौरी मतलब गोरा। जो माँ का स्वरूप है वो गोरा है, इसलिए माँ का जो नाम है वो महागौरी है। आचार्य जी, माँ गौरी का स्वरूप क्या है? महागौरी का जो स्वरूप है, माँ गौरी का जो स्वरूप का वर्णन है, माँ की चार भुजाएं हैं। माँ वृषभ यानी बैल के ऊपर आरूढ़ होकर माँ का अष्टम स्वरूप है। माँ का जो स्वरूप है, वृषभ के ऊपर आरूढ़ होकर माँ का स्वरूप है। माँ की चार भुजाएं हैं। माँ की जो पहली भुजा है उसमें अभय मुद्रा में माँ विद्यमान है, और माँ की जो दूसरी भुजा है उसमें त्रिशूल, और माँ की जो तीसरी भुजा है कमल का पुष्प, और जो माँ की चौथी भुजा है उसमें वर मुद्रा में माँ विद्यमान है, यह माँ का स्वरूप है। आचार्य जी, इसकी पौराणिक कथा क्या है, और साथ ही माता को जो भोग चढ़ाना है वो क्या चढ़ाया जाता है जिससे माता अति प्रसन्न हो जाए अपने भक्तों पर? महागौरी का जो स्वरूप है, महागौरी का सबसे प्रिय भोग जो है वह नारियल है, पानी वाला नारियल। पानी वाला नारियल माँ भगवती महागौरी को भोग के रूप में हम दे सकते हैं, या महागौरी का सबसे प्रिय भोग है। और पौराणिक कथा के अनुसार महागौरी भगवान शिव को अपने जीवन में पाने के लिए सर्दी गर्मी बरसात तीनों कालों में घनघोर तपस्या करने के कारण महागौरी का जो स्वरूप है वह काला पड़ गया। तो भगवान शिव उनकी तपस्या से अति प्रसन्न होकर उनको स्वीकार करे, और उन्हें स्वीकार करने के पश्चात महागौरी को माँ गंगा की गोद में स्नान कराए। स्नान कराने के पश्चात महागौरी का जो स्वरूप है वह गोरा हो गया। तब से महागौरी का अष्टम स्वरूप, माँ भगवती का अष्टम स्वरूप महागौरी के रूप में विद्यमान है। आचार्य जी, ज्योतिषा मत के अनुसार में महागौरी की पूजा करने से क्या लाभ होता है, और साथ ही आज के दिन कन्या पूजन करने का क्या महत्व होता है? जिस जातक के गृह में धन की प्राप्ति ना हो, नवरात्र की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करें, उससे घर में शीघ्र में वो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और सुख शांति धन धान्य आदि हमारे घर में सारी खुशियाँ किसी न किसी रूप में आती हैं। कन्या पूजन का यह विधान है। कन्या पूजन करने से महागौरी अति प्रसन्न होती हैं। और जो आपने पूछा कि ज्योतिषाचार्य मत अनुसार, तो जिस भी जातक का राहु खराब हो वह जातक महागौरी की उपासना करें, शीघ्रातिशीघ्र ऐसे जातक को शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो आस्था के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एबीएनएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।